यो स्वागत है फिर से एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है। जैसा फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हम आपके लिए खुशखबरी लेके आ गए। यहाँ पर यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए ज्वाइनिंग निकाल दी गई है। ठीक है, आप जैसा देख पाएंगे यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी जो ज्वाइनिंग निकाली गई है उसमें अभी महिलाओं को लिया गया है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, सारी जानकारी इसमें देंगे और धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंटों की यहाँ पे ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से चयनित महिला स्टाफ नर्सों की तैनाती के संबंध में, तो यहाँ पे जो महिला हैं उनको चयनित स्टाफ नर्सों की तैनाती यहाँ पे कर दी गई है। कितने कैंडिडेट की यहाँ पे की गई है टोटल, जो यहाँ पे देखिए रिक्त स्टाफ नर्स सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से की गई है और 484 अर्य अभ्यर्थियों की संतुष्टि तैनाती आदेश जारी करने के संबंध में कराई गई है। ठीक है, चयनित अभ्यर्थी जो सूची की ये जो लिस्ट है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dgme.up.government.in पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके लिए आवश्यक जो नोट है, यहाँ पे मेरिट क्रमांक की आवश्यकता काउंसलिंग के समय होगी, तैनाती व्यक्तिगत काउंसलिंग पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से, यहाँ पे दिनांक 11/5/2022 को बुधवार को कलाम सेंटर KGMU लखनऊ में की जाएगी। तो आप इस डेट का ध्यान रखें 11/5/2022। अभी लिस्ट में जिनका मैं नाम लिखाऊंगा उन कैंडिडेट को 11/5/2022 को जाना है। और टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है, देखिए टाइमिंग दी हुई है लिस्ट में, जितने से जितने तक नाम दिए गए यहाँ पे उस हिसाब से उनको जाना है, वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करानी होगी। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे 10 बजे से 12 बजे के मध्य मेरिट क्रमांक 1 से 200 तक हो जाएगी, उसके बाद में जो सेकंड है 12 बजे से 2 बजे के मध्य होगा, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 200 से 350 तक के बीच में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे नंबर पे 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में लंच होगा उनका, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और चार स्टेप में है 2:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य मेरिट क्रमांक 351 से 484 तक, इस तरीके से जो है 11/5 को आपका काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आवश्यक जो इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको, सभी अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि काउंसलिंग हेतु आवंटित समय अवधि से कम 1 घंटा पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हो जाएं, ये जानकारी आपके लिए हो जाता है। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ये आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत शानदार खुशखबरी है। एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे लिस्ट दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे जो भी कोई गड़बड़ी है वो आप गलतियाँ ना करें, इसमें सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन है, देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है क्रमांक 285 पर अंकित साहिबा है। ठीक है, इसमें क्या है, जो रोल नंबर उनका इतना है, तो आवेदन पत्र जो उनके पास लोक सेवा आयोग प्रयागराज में जमा किया गया था वह आयोग, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, जो अंकित साहिबा खातून के जो भी कंडीशन थी वो यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद में ये सारे इंस्ट्रक्शन आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और आपकी आप ये लिस्ट डाउनलोड करना चाहें www.dgme.up.government.in पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको बधाई हो। एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं 484 कैंडिडेट की लिस्ट मैं आपके लिए एक बार और दिखा देता हूँ। साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप क्रमांक संख्या देखेंगे, नाम देखेंगे, श्रेणी देखेंगे और जन्मतिथि और मेरिट सीरियल, उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर टोटल देखा जाए यहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हो, तो डेट दी हुई है और समय दिया हुआ है रोल नंबर वाइज, उस हिसाब से क्रमांक वाइज दिया हुआ, उस हिसाब से आपको वहाँ पर अपना जो है रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 20 पेज हैं और 484 यहाँ पर कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवानी थी, उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को बधाई हो, और नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सबको यहाँ बताई जाएगी। ठीक है, आप सबको पता होगा सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सबके लिए बताई जाती है, चाहे NSMC रिगार्डिंग चाहे नर्सिंग की कोई भी अपडेट हो, जल्दी से जल्दी आपको बताई जाती है। कोई भी कैंडिडेट नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए, और भी जो जितने भी ज्वाइनिंग होगी धीरे धीरे सभी की ज्वाइनिंग इस तरीके से ही की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।